देखो भाई, एंटमैन का ट्रेलर तो सब लोगों ने देख ही लिया होगा और सबको ये भी मालूम चल ही गया है कि इस मल्टीवर्स सागा का जो मेन विलन होगा वो कैंग द कॉन्करर होगा। लेकिन भाई, क्या तुमने इस चीज की गहराई को नापने की कोशिश की है? मतलब कि हाँ, कैंग द कॉन्करर इस मूवी का और इस पूरे सागा का विलन होने वाला है, बिग बैड होने वाला है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो कितना बड़ा विलन है? क्या कैंग जैसे पावरफुल विलन को अपने एवेंजर्स हरा पाएंगे? भाई इसका जवाब थोड़ा सोचने की कोशिश करो, क्योंकि देखो भाई, कैंग द कॉन्करर के बारे में मैंने कुछ वीडियोस बनाई, कुछ दूसरों ने बनाई, आपने सभी की वीडियोस देखी और आपको मालूम है कि कैंग द कॉन्करर कितना ज्यादा पावरफुल है। टाइमलाइंस उसके हाथ में, टीवी है उसके हाथ में, लोगों की किस्मत उसके हाथ में, लोगों के किस्मत का रचयिता है वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग भी मार्वल के यूनिवर्स में, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो भाई ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। कैंग ने ही किस्मत में लिखा है, कैंग ने मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, कैंग ने ही आपकी किस्मत में लिखा है कि आप इस वीडियो को देखोगे। तो भाई आखिर तुम समझ रहे हो कि ये मुद्दा कितना ज्यादा बड़ा है? थैनोस तो यूं ही बोलता रहता था कि आई एम इनएविटेबल, मैं वो अनहोनी हूं जिसको कोई टाल नहीं सकता। अब एक घंटा तुम्हारी माँ की साड़ी, तेरे साथ भी जो होनी और अनहोनी होनी थी वो भी कैंग ने ही लिखा था, तो काहे का तू इनएविटेबल। तो भाई देखो, सीधी सी बात यह है कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के अंदर, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर, एवेंजर्स उसका सामना करेंगे जिसने उनकी किस्मत को लिखा है। मतलब कि भाई थोड़ा इमेजिन करके देखो कि तुम्हारी लड़ाई उससे होने वाली है जिसको पता है कि तुम्हारा अगला मूव क्या होगा, तुम्हारा प्लान क्या होगा, क्योंकि उसने ही तुम्हारी जिंदगी की कहानी को लिखा है, तो कितना मुश्किल हो जाएगा उससे लड़ना। और देखो, ये सारी चीजें जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि भाई क्या एवेंजर्स कैंग को हरा पाएंगे? तो इसका जवाब है कि नहीं। ऐसा मुझे लगता है, मुझे लगता है कि नहीं हरा पाएंगे। भाई हराना तो बहुत दूर की बात है, उसको छू भी नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, लोकी शो तो आपने देखा ही है ना, उसका लास्ट एपिसोड देखा ही है ना। लोकी और सिल्वी ही यूरिमेंस के ऊपर अटैक करना चाहते तो है, लेकिन वो हर अटैक से बच जाता है, क्योंकि उसको पहले से ही मालूम था कि लोकी कौन सा अटैक करने वाला है, उसको पहले से ही मालूम था कि सिल्वी कौन सा अटैक करने वाली है। हाँ, भले ही लास्ट में सिल्वी ने उसको मार दिया था, क्योंकि हो सकता है कि वो यही चाहता हो, क्योंकि भाई बोल भी तो रहा था ना कि मेरे को अब मुक्ति चाहिए, तो शायद वो पहले से ही जानता था कि सिल्वी उसको मारने वाली है, या फिर उसने कहानी ऐसी लिखी थी उसकी कि सिल्वी उसको मारेगी। लेकिन खैर छोड़ो, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। पॉइंट वाली बात क्या है? पॉइंट वाली बात यह है कि अगर एवेंजर्स कैंग को नहीं हरा सकते, तो कैंग को आखिर हराएगा कौन? अब देखो, आज से 5-6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि असल में शायद ऐसा हो सकता है कि एमसीयू एक लूप में चल रहा हो और गोल गोल घूम रही हो उसकी कहानी। आप लोग चाहो तो इस वीडियो को जाकर आई बटन पर देख सकते हो, ऐसा लिंक मैं डाल दूंगा ऊपर, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो अगर अपने कैंग द कॉन्करर को एवेंजर्स नहीं हरा सकते, तो उसको कौन हराएगा? तो भाई इसका जवाब मेरे हिसाब से हो सकता है कि कैंग को कैंग ही हराएगा, क्योंकि जिस आई कार्ड वाले वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसमें मैंने ये बताया था कि जो लोकी सीरीज है वो सबसे आखिर में हुई थी, क्योंकि लोकी के लास्ट एपिसोड में ही यूरिमेंस ने कहानी बताई थी कि भाई एक मल्टीवर्सल वॉर हुआ था और ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, उसने सारे वेरिएंट्स को हराया और फिर उसके बाद एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई, टीवीए बनाया। तो भाई ये सब कब हुआ? हम लोगों ने तो देखा नहीं, किसी भी मूवी में हमने देखा नहीं। तो हो सकता है, उस थियरी के हिसाब से मैंने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि ये जो सीक्रेट वॉर्स आने वाली है ना, इसी के बारे में वो ही यूरिमेंस बात कर रहा हो, और सीक्रेट वॉर्स में जो कैंग को मारेगा। अब सीक्रेट वॉर्स आखिरी मूवी होने वाली है या नहीं, ये तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि कैंग द कॉन्करर जो है वो सीक्रेट वॉर्स के अंदर मर जाएगा। तो भाई उसको मारेगा कौन? उसको मारेगा ही यूरिमेंस, जिसको हमने लोकी सीरीज में देखा था ना। ही यूरिमेंस जो कि कैंग का एक वेरिएंट है, कैंग का एक अच्छा वाला वेरिएंट है, वो कैंग को मारेगा, अपनी टाइमलाइन को अलग करेगा, टीवीए बनाएगा, बाकी जितनी टाइमलाइंस है जिसमें उसके इविल वर्जन्स रहते हैं उनको फ्रीज करेगा, टीवीए वालों से उसको पकड़ाएगा, ताकि ये सब कुछ हो ही ना पाए, और यही सारी चीज लूप में चलती रहेगी। तो भाई ये एक थियरी थी और मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि भाई एंटमैन हो, स्पाइडरमैन हो, आयरन मैन हो, कोई भी हो, वो कैंग को नहीं हरा सकता, क्योंकि उनकी किस्मत को ही कैंग ने लिखा है। तो यार आई होप सो कि मैं सही हूं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं कंप्लीटली गलत हूं, मूवी में कुछ और ही दिखा दिया जाए हमें, लेकिन ये एक थियरी है, थियरी की तरह ही इसको लेना। आपकी इस बारे में क्या राय है ये मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।